कानून के दायरे में रहते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई का हम मुतालबा करें। मैं जमीयत उलमा बीदर की जानिब से शदीद मजम्मत करता हूँ और दिस वीडियो स्पॉन्सर बाई हिलिंगट्री हॉस्पिटल नियर नेहरू स्टेडियम अलबेग फैमिली रेस्टोरेंट अपोजिट गुरु नानक गेट TMK Enterprises अथोराइज्ड MI स्टोर अपोजिट साई फैब्रिक एंड होप चेस्ट हॉस्पिटल बिहाइंड नंदी पेट्रोल पम्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UP पुलिस ने और हुकूमत ने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया है। पहले तो हम इंतहाई मजम्मत करते हैं हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी पे। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी ये जायज़ गिरफ़्तारी नहीं है, नाजायज़ गिरफ़्तारी है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ये 9वें आदमी हैं जो 2 महीने में UP पुलिस ने और UP हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार किया जबरन तब्दीली मजहब के जुर्म में। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जबरन और ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। ये 3 महीने में 9वें आदमी हैं। हम UP हुकूमत से कहना चाहते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का आप डाटा पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी ज़िंदगी के वाकयात पढ़िए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 68 साल उनकी उम्र है। ज़यीफ़ आदमी हैं, इंतहाई ज़यीफ़ है, बीमारियों में घिरे हुए हैं। ऐसे ज़यीफ़ आदमी को गिरफ़्तार करके पुलिस तहवील में उनको दे दिया गया है। ये एक बदबख्ताना अमल है हमारी नज़र में और ये ख़ुद मुजरिमाना अमल है। जिनकी उम्र 70 के करीब है उनको गिरफ़्तार किया गया और 70 साल की उम्र में उन्होंने कभी भी गैर क़ानूनी कोई काम नहीं किया। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई गैर क़ानूनी काम नहीं किया। वो साइंस के तालिबे इल्म थे और वो मेडिकल करना चाहते थे। उनका पूरे इंडिया में 70वां रैंक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की सेवा को बनाया। इंसानियत से प्यार है उनको, मोहब्बत है, प्रेम है उनको। वो ये चाहते हैं कि हर इंसान अच्छा इंसान बने। वो ये चाहते हैं हर इंसान हिंदुस्तान की सेवा करे, हर इंसान प्रेम करे हिंदुस्तान से। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ग्लोबल पीस सेंटर चलाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं लोगों को, शांति का पैगाम लोगों को देते हैं। कलीम सिद्दीकी साहब का गाँव है मुजफ़्फ़रनगर फुलत में, आप वहाँ जाइए। मुजफ़्फ़रनगर फुलत में आपका गांव है। गांव के लोगों का कहना ये है हमारे गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। 2013 में फसाद हुआ था मुजफ़्फ़रनगर में, लेकिन फुलत एक ऐसा गांव है जो इस झगड़े से भी महफूज रहा। कलीम सिद्दीकी साहब का काम ही है अमन का काम, शांति का काम और लोगों की इंसानियत की सेवा का काम। आप अनाथ बच्चों के लिए एक तंजीम चलाते हैं, यतीम बच्चों के लिए जिनका बाप नहीं है, बेसहारा बच्चियों के लिए आप सहारा बनते हैं। आप लोगों की इंसानियत की सेवा का काम करते हैं और पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में आप पे कोई कानून के ख़िलाफ़ आपने काम नहीं किया और कभी भी पुलिस ने आपको मुजरिम नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत के प्रोग्राम में आपको बुलाया गया था बॉम्बे में। अगर वो मुजरिम थे तो मोहन भागवत के प्रोग्राम में आपको बॉम्बे क्यों बुलाया गया था? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी एक बेदाग ज़िंदगी है। और जबरन मज़हब तब्दील करना इस्लाम सिखाता ही नहीं, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करना और धर्म परिवर्तन करना इस्लाम सिखाता नहीं। इस्लाम का उश्लोक है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये उश्लोक है। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवा रहा है और मज़हब बदला रहा है वो मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम तो अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है। और पूरे हिंदुस्तान में आप एक मिसाल पेश कीजिए कि किसी ने ज़बरदस्ती किसी को किसी का धर्म बदलाओ और मज़हब बदलाओ और लालच दिला के और पैसे दे के किसी का मज़हब बदलाओ। हम मुसलमानों की हालत तो ये है, मुसलमान गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों की हालत ये है, कितने गरीब लोग हैं उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, बीमार हैं दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो हम लोगों को पैसा कहाँ से ला के देंगे मज़हब तब्दील करने के लिए? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे ये जो जुर्म आयद किया गया है
ये इंतहाई हम इसकी मजम्मत करते हैं, इंतहाई दर्जे में हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत योगी से, योगी हुकूमत से और यूपी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनकी ज़िंदगी बेदाग है, इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, इन्होंने कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं किया। हम कहते हैं कि इनको फौरी रिहा कर दिया जाए और इनकी गिरफ्तारी से मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हो गया, मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। और हम तो यूँ कहते हैं 6 साल में यूपी हुकूमत नाकाम रही, 6 साल में यूपी हुकूमत ने काम ही कुछ नहीं किया। अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए यूपी हुकूमत मुसलमानों को हरासा कर रही है और परेशान कर रही है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनके चाहने वाले मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में उनके चाहने वाले नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनके चाहने वाले, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले, इसलिए कि वो इंसानियत की सेवा का काम करते हैं। और इस्लाम तो पीसफुल मज़हब है। इस्लाम से पहले लोग औरतों को जला दिया करते थे, मर्दों के साथ सती की रस्म थी हमारे हिंदुस्तान में, बच्चियों को मार दिया जाता था, लोग शराब पी के नाचते थे और पैसा बर्बाद करते थे। इस्लाम ने यह तालीम दिया कि देखो बच्ची रहमत है और बच्ची पैदा होगी तो खुशी का इजहार करो। और फिर ये तालीम दी गई शराब मत पियो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। और ये तालीम दी गई कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा काम ये दूसरों की सेवा करो। मुसलमान वो है जो अपने हाथ से, अपने ज़बान से दूसरों की हिफाजत करे, दूसरों को अमन दे और दूसरों को शांति दे। ये इस्लाम और मुसलमानों का धर्म है और मज़हब है। इस्लाम कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता और ना उसकी इजाज़त देता है। तो हम इस मौके पर पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसी अजीम शख्सियत को रिहा कर दिया जाए और उनके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम से उनको बरी कर दिया जाए। और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, मुसलमानों में गम व गुस्सा बाकी रहेगा। मैं मुसलमानों से भी अर्ज़ करूँगा कि सुकून के साथ और कानून के दायरे में रहते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई का हम मुतालबा करें। मैं जमीयत उलमा बीदर की जानिब से शदीद मजम्मत करता हूँ और हुकूमत यूपी से मुतालबा करता हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए।